अपने मामलात को हमें इंडिया के साथ भी ठीक करना है। पीएम मोदी ना बिकने वाला ना झुकने वाला। इंडिया ने ये बता दिया है कि पाकिस्तान से बॉर्डर बंद करके भी तरक्की हो सकती है और भारत के साथ भी हालात ठीक करने हैं। और दो मर्तबा उन्होंने कहा जनाब, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डोमिनेट्स ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग। Former Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif stressed the need to improve relationships with the country's neighbor. Bharat ke Wazir Azam Modi duniya ke number 1 popular leader hain. Nawaz Sharif ne sawal kiya ki kya unhe 99 mein isliye nikala ki Kargil jung chhedne ka sawal kiya tha. To PM Modi ki rating hai 76%. Unhone zikr kiya कि उनके साथ टर्म्स को बेहतर करना चाहेंगे और जो ताल्लुकात खराब हुए थे उनका ये भी कहना है कि जी पहले भी मैं ठीक करने जा रहा था लेकिन कारगिल कर दिया। दुनिया के बेस्ट तरीन लीडर, द बेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दिया है नरेंद्र मोदी को, क्या कहना चाहेंगे? दुनिया के बड़े बड़ी कंट्रीज है उनको भी तो दे सकती थी, तो नरेंद्र मोदी को ही क्यों टॉप लिस्ट पर रखा? क्या वाकई में अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो वो भारत से बात करेंगे और क्या भारत जो है वो बात करेगा? यदि के जो वहाँ की गवर्नमेंट है इस वक्त आप देख ही रहे हैं कि पीएम मोदी जो है वो बहुत आगे की तरफ जा रहे हैं। पुतिन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ना तो उनको झुकाया जा सका, ना अपने साथ मिलाया जा सका और ना ही उनको डराया जा सका। तरक्की कर रहे हैं तो वजह क्या है? वजह है इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। वजह ये है कि दे आर ऑन अ ट्रैक, उन्होंने अपने सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं किया जैसे हमने किया। उन्होंने जिक्र किया कि उनके साथ टर्म्स को बेहतर करना चाहेंगे और जो ताल्लुकात खराब हुए थे उनका ये भी कहना है कि जी पहले भी मैं ठीक करने जा रहा था लेकिन कारगिल कर दिया और कारगिल की वजह से उनको निकाला भी गया क्योंकि वो कारगिल के हक में नहीं थे। कैसे देखते हैं आप उनके स्टेटमेंट को? क्या वाकई में अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो वो भारत से बात करेंगे और क्या भारत जो है वो बात करेगा? यदि के जो वहाँ की गवर्नमेंट है इस वक्त आप देख ही रहे हैं कि पीएम मोदी जो है वो बहुत आगे की तरफ जा रहे हैं और उनकी कंट्री को भी काफी प्रोग्रेस किए उसने, तो क्या वो दोबारा बात करना पसंद करेंगे? बहुत शुक्रिया मैडम। देखें ये जो बात है ना कि आप नेबर्स के साथ लड़ के तरक्की नहीं कर सकते, मैं इस आर्गुमेंट से एग्री नहीं करता क्योंकि इंडिया तो पाकिस्तान से भी लड़ा हुआ लेकिन तरक्की कर रहा है। इंडिया जो है उसके चाइना के साथ भी टर्म्स अच्छे नहीं है, तरक्की कर रहा है। तो वजह क्या है? वजह है इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। वजह ये है कि दे आर ऑन अ ट्रैक, उन्होंने अपने सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं किया जैसे हमने किया। उन्होंने जो निज़ाम चल रहा था उस निज़ाम को रोका नहीं कभी, जैसे भी चल रहा था। सो इसका मतलब यह है कि आप लड़ के भी तरक्की कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फॉर दैट मैटर आपकी इंटरनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लीडरशिप पे ट्रस्ट होना चाहिए, लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। लीडरशिप ये नहीं पता होगा जी लीडरशिप जो है वो कहीं और से आ रही है और आपको वोट तो मिला है लेकिन आप जो है वो साढ़े पंजाबी कहते हैं ना फड़े तड़े थे वजीर आजम। सो अगर फड़े तड़े के वजीर आजम है तो फिर तो जारी बात है मसला रहेगा, लेकिन अगर आप एक जेन्युइन इलेक्टेड हैं तो इंडिया ने ये बता दिया है कि पाकिस्तान से बॉर्डर बंद करके भी तरक्की हो सकती है। सो पाकिस्तान भी बॉर्डर बंद करके तरक्की कर सकता है लेकिन उसके लिए एक लंबी स्ट्रगल चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली आई डू नॉट एडवाइज कि हम किसी के साथ ताल्लुकात खराब करें, ना ही हम भारत के साथ। मैं तो चाहता हूं ताल्लुकात बेहतर हों। और नरेंद्र मोदी ने कहा, उसने वजीर नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे दौर में वाजपेयी और मोदी साहब आए, ये बात बिल्कुल सही है। और फिर कारगिल हो गया, देखें एडवेंचर्स होते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डोमिनेट्स ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग। इस वक्त मेरे सामने एक रैंकिंग है जिसको करवाया है मॉर्निंग कंसल्ट ने और इस रैंकिंग में ये बताया गया है कि भारत के वजीर आजम मोदी दुनिया के नंबर 1 पॉपुलर लीडर हैं और इसमें सिर्फ मोदी साहब का ही नाम नहीं है बल्कि इसमें जो बाइडेन साहब का नाम भी है, इसमें ऋषि सुनक साहब का नाम भी है, इसमें और दुनिया के जो लीडर्स हैं प्राइम मिनिस्टर्स उनके नाम शामिल हैं कि वो किस नंबर पर हैं इस रैंकिंग में। कुछ नाम तो ऐसे हैं कि जो हैरान परेशान रह गए होंगे देखकर के हमारी अप्रूवल रेटिंग ये है, क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि मॉर्निंग कंसल्ट ने ये जो सर्वे करवाया है ये अप्रूवल रेटिंग भी बताई है उन्होंने कि कौन से लीडर की, दुनिया का कौन सा लीडर उसको कितनी अप्रूवल रेटिंग हासिल है, कितने लोग उसको अप्रूव कर रहे हैं या उसको उसकी जो रेटिंग है उसकी वो कहां पर है। तो
पीएम मोदी की रेटिंग है 76%। तो मॉर्निंग कंसल्ट पहले मैं आपको बताती हूँ, पहले ये देख लेते हैं कि मॉर्निंग कंसल्ट है क्या। तो देखिए मॉर्निंग कंसल्ट जो है ये है बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी और ये एस्टैब्लिश हुआ था 2014 में और इट इज नेम्ड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी कंपनीज। और इसमें फिर बताया गया है कि कितना इसकी अर्निंग है, कितने बिलियन डॉलर्स जो है, और कहा यह जा रहा है कि जो अभी तक वैल्यू है मोर देन $1 बिलियन इसकी बताई जाती है, काफी इसकी डिटेल्स है। लेकिन ये करता क्या इदारा, ये करता है मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे करवाता है। अच्छा ये सर्वे सिर्फ यही नहीं है कि दुनिया का कौन सा लीडर किस नंबर पर है, ये भी सर्वे ये करवाते हैं, बल्कि इसके साथ ये भी करवाते हैं कि जैसे अमेरिका की क्योंकि ये कंपनी है नॉर्थ अमेरिका में है, लेकिन इसमें कुछ दिन पहले इन्होंने करवाया कि जो सोशल मीडिया है उसको कितने अमेरिकन जो हैं वो कहते हैं कि ये एक्सेप्टेंस है इसकी, कितने अमेरिकन समझते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है। अच्छा इसी तरीके से दुनिया की और जो चीजें चल रही हैं, जो कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज है उसके ऊपर भी वो जो है करवाता रहा है इस तरह के सर्वे। और जो मॉर्निंग कंसल्ट है इसके तमाम जो सर्वे या रैंकिंग्स आती हैं वो अपडेट होती रहती हैं और समटाइम्स ये वीकली अपडेट भी होती हैं। तो ये जो हम आपको रैंकिंग बता रहे हैं कि जिसमें भारत के वजीर आजम मोदी साहब ने टॉप किया है दुनिया भर में और टॉप ऑफ देयर लिस्ट हैं वो इस रैंकिंग में, कि जिसमें बताया गया है कि उनकी अप्रूवल रेटिंग 76% है और वो मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, इसकी रैंकिंग की गई है दिसंबर एंड नवंबर के लास्ट वीक, वन वीक की हम आपको ये बता रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि लेटेस्ट रैंकिंग जो है ये हम आपको बता रहे हैं, इससे पहले भी कई एक रैंकिंग्स आती रही हैं अगर आपको याद हो उसमें भी। देखिए ये तो वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की सियासत में ना बिकने वाला ना झुकने वाला, तो अब दुनिया ये कह रही है मोदी ना बिकने वाला ना झुकने वाला। और ये किसने कहा अभी किसने कहा ये आप जानते हैं, अभी कहा है प्रेसिडेंट पुतिन साहब ने। पुतिन ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ना तो उनको झुकाया जा सका, ना अपने साथ मिलाया जा सका और ना ही उनको डराया जा सका और उनको इंटिमिडेट नहीं किया जा सका। और एक प्रेशर जब उस वक्त था दुनिया के ऊपर के रशिया को नहीं मानना, इसके खिलाफ जाना है, उस वक्त उन्होंने ये बात तस्लीम नहीं।